हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के 15 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। ये हमारा क्लास 9 का लास्ट चैप्टर है। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम खाद्य जो होते हैं, हमारे फूड प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, उनको कैसे उनमें सुधार की जाए, किसके उस कैसे उसमें के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाए और उनका कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे उनका उत्पादन बढ़ाया जाए। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, सॉल्ट, ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें वृद्धि करने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, दोनों के लिए ही जो होते हैं भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, अधिकांश जो भोज्य पदार्थ हमें कृषि और पशुपालन से मिलते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि भारत की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक है। यहाँ पे लिखा है कि 100 करोड़ से अधिक है, तो हमें पता है करीब 135 करोड़ या 130 करोड़ के आसपास बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये वृद्धि जो है भूमि पर कृषि करने से संभव, मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो जनसंख्या बढ़ी है उससे हमें क्या होगा, उससे उत्पादन भी तो बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उससे अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी और उससे क्या करना होगा, हमें भूमि पर कृषि करने की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, इसको बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हरित क्रांति लाई गई थी जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, श्वेत क्रांति लाई गई थी जिससे कि दूध उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, और उसी प्रकार हमारी बहुत सारी प्राकृतिक संपदाएं हैं जिनको कि बिगड़ने का खतरा बढ़ रहा है, जैसे कि फसल उत्पादन बढ़ाने के प्रयास पर्यावरण और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति न पहुँचाएँ, यानी कि हम बहुत ज़्यादा उर्वरक यूज़ कर लें तो उससे प्रदूषण भी तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो केवल फसल उत्पादन बढ़ाने और उन्हें गोदामों में संचित करने से कुपोषण या भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ठीक है, लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है, तो इस तरह से हर एक चीज़ एक दूसरे से निर्भर करती है। तो यहाँ फसल का उत्पादन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में। तो सबसे पहले फसल उत्पादन में उन्नति, फसल उत्पादन में उन्नति, जैसे कि यहाँ पे जो ऊर्जा की आवश्यक जो अनाज होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, जो कि कार्बोहाइड्रेट इनसे प्राप्त होता है, दालें, चना, मटर, उड़द, मूंग, ये सब जो है इनसे प्रोटीन प्राप्त होता है, तेल वाले जैसे सोयाबीन, मूंग तेल, ये सब जो है इनसे हमें वसा प्राप्त होती है, सब्जियाँ, मसाले, फल, जिनसे हमें विटामिन, खनिज, लवण और कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होता है। चारा फसलें जैसे वर्सीम, जई, सुडान, ये जो पशुधन के चारे, इनमें उन्नति होनी चाहिए। ठीक है, और अलग अलग फसलों के लिए हमें पता है कि उनमें जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ होती हैं, तापमान, दीप्ति काल की आवश्यकता होती है जिससे वो अपना चक्रण पूरा कर सके और वृद्धि हो सके। फोटो पीरियड यानी दीप्ति काल जो होता है वो सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। हमें पता है कि जो पौधे होते हैं उनमें पुष्पन और वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि कोई ठंडी में होते हैं, कोई गर्मी में, यानी ठंडी में है तो उनको कम लाइट चाहिए, गर्मी में है तो बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए, तो ये होता है उनका दीप्ति काल। ठीक है, कुछ फसलें जो होती हैं वर्षा ऋतु में होती हैं उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं, जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द। कुछ फसलें जो होती हैं जो जून से जून से अक्टूबर तक की खरीफ फसल है, और कुछ फसलें जो होती हैं नवंबर से अप्रैल तक यानी शीत ऋतु में होती हैं वो रबी की फसल होती है, यानी कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी। ठीक है, तो भारत में सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है और पैदावार भी 4 गुना हुआ है। ठीक है, तो इसमें होता है क्या कि बीज को चुनना, दूसरी फसल का देखभाल करना, तीसरे जो होता है खेतों में उगी फसल को सुरक्षा और कटी हुई फसल को हानि से बचाना, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस सब में सबसे मेन जो है इसको 3 वर्गों में बांट दिया गया है। सबसे पहले फसल की किस्म की सुधार करें, उसके बाद फसल उत्पादन का प्रबंध करें, उसके बाद फसल की सुरक्षा का प्रबंध करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फसल की किस्मों में सुधार। फसल का उत्पादन अच्छा हो इसके लिए हमें उनके चयन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, किस किस्म की फसल को यहाँ पे चुनना है। तो जैसे यहाँ पर है, सबसे पहले हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले किस्म को, जिसमें रोग ना लगे, उर्वरक के प्रति अनुरूपता यानी जो उर्वरक हम उसके डालें उसको वो अवशोषित करके उसमें गुणवत्ता प्रदान करें। तीसरा है उत्पादन का चयन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो प्रजनन द्वारा। ठीक है, और हम दूसरा चीज़ भी कर सकते हैं, उनमें ऐच्छिक गुणों का संकरण करा दें,
यानी हाइब्रिडेशन विधि से हम क्या करें कि आनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करा दें। यानी एक होता है संकरण अंतरा किस्मी, यानी अलग अलग किस्मों में, अंतरा स्पीसीज यानी एक ही जीनस होगा उसकी स्पीसीज अलग अलग हो, या फिर अंतरावंशी यानी कि दोनों के जीन से अलग हो, ठीक है। तो इस तरह से हम संकरण करा लें। उसके बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ जो हम गुड़ चाहते हैं उसके जीन को डाल दें, ठीक है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ठीक है। यहाँ पे नई नई चीज़ें जो हैं बताई गई हैं, जिसकी वजह से हम एक अनुकूल परिस्थिति में उस बीज की जो किस्म है उसको उगा सकते हैं, कैसे उसमें अच्छी गुणवत्ता ला सकते हैं। यहाँ पे कुछ कारक बताए गए हैं इसके किस्मों के सुधार के लिए। सबसे पहले उच्च उत्पादन यानी उत्पादकता बढ़े, उन्नत फसलें यानी उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, दाल में प्रोटीन हो, तिलहन में तेल हो और सब्जियों में अच्छी चीज़ें जैसे खनिज लवण सब कुछ पाई जाती हो। जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता यानी कि रोग, जैविक यानी कि रोग से जो होते हैं यानी कीटों से निमेटोड से बचे, अजैविक यानी कि सूखे और जल क्रांति गर्मी ठंड इन सब का इन पर असर ज़्यादा ना हो। परिपक्व काल में परिवर्तन हो यानी कम समय में ज़्यादा उत्पादन का क्षमता हो, तो इससे क्या होगा कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन होगा। व्यापक अनुकूलता यानी कि जो है व्यापक अनुकूल होंगे तो किस्मों का विकास होगा अलग अलग पर्यावरण परिस्थितियों में भी ईजी हो जाएगा। आगे ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण यानी कि चारे वाली जो फसलें होती हैं उनमें शाखाएं जितनी ज़्यादा निकलेंगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरह से होती है सस्य पौधे, ठीक है। नेक्स्ट है फसल उत्पादन प्रबंधन। यहाँ पे फसल उत्पादन प्रबंधन में यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि जैसे अब तो छोटे बड़े सभी फॉर्म होते हैं उसको मतलब फसल के लिए, तो उसमें सबसे मेन जो ध्यान दिया जाता है कि बिना लागत एक उत्पादन हो, एक अल्प लागत उत्पादन हो, एक अधिक लागत उत्पादन हो, ठीक है। तो इस तीन तरीके से यानी कम पैसे में भी हो और एक अधिक लागत का होता है तो उसमें भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सके। सबसे पहला है पोषक प्रबंधन। तो हमें ध्यान देना होता है कि हमें विकास वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। वैसे पौधों को भी तो पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पानी हवा मिट्टी, ठीक है। हवा से कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेते हैं, मिट्टी से अनेक और जो होते खनिज पदार्थ लेते हैं। तो उन्हें जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो वृहद पोषक होगा, जो कम चाहिए वो सूक्ष्म पोषक होगा, ठीक है। इस तरह से उन पर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहला खाद। खाद जो होता है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा अधिक होती है और ये मिट्टी की जो होता है अल्प मात्रा में यानी थोड़ी मात्रा में इनको पोषक प्रदान कर देते हैं। और जंतुओं के ये अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कचरे इनसे ये तैयार किए जाते हैं, यानी कि ये कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण होते हैं, ठीक है। इनकी जो खाद में जो कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा जो मिट्टी की संरचना में सुधार करती है, अगर रेतीली मिट्टी है तो उसमें क्या होगा खाद डाल देने से वाटर की जो होगी कैपेसिटी बढ़ जाएगी रोकने की। अगर चिकनी मिट्टी है अगर उसमें खाद मिला देते हैं तो उससे क्या होगा पानी आसानी से निकल सकेगा, ठीक है। तो इससे पेड़ पौधों को कोई हानि भी नहीं होगी और उन्हें पूरी तरह से और जो होते पोषक पदार्थ भी मिल जाएंगे, ठीक है। खाद बनाने के लिए हमेशा जैविक कचरे का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से हमें उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं कृषि के यानी कि पशुधन के मल मूत्र, सब्जी के छिलके, जानवर द्वारा प्रत्येक चारे, ये सारी चीज़ें जो होती जिनको हम मतलब कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं यानी जीवाणुओं द्वारा नष्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को कंपोस्ट करा के कार्बनिक खाद बनाई जाती है। और इसमें केचुए द्वारा जो कराया जाता है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन मूंग ग्वार ये सब उगा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है और कि उसकी उपजाऊ बढ़ जाती है क्योंकि उसको पहले चलाकर उसी खेत में नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कि उनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो होती है कैपेसिटी या फिर उसमें मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है उर्वरक। उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार किए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से महंगे होते हैं। इनमें होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, इनमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि कायिक वृद्धि के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन ये इनका अधिक उत्पादन जो होगा वो हमारी मिट्टी को उनको जो है ख़राब कर देगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था जल प्रदूषण का कारण बनते हैं ये, अगर इनकी मात्रा का ध्यान नहीं दिया गया, अगर इन्हें सावधानीपूर्वक नहीं यूज़ किया गया।
ये हमारे जो होंगे सूक्ष्म जीवों के चक्रण, भूमिगत जीवों और जो पेड़ जो मिट्टी की उर्वरता सबको नष्ट कर देंगे, ठीक है। इसलिए इनका जो होता है कम यूज़ करना चाहिए। खाद का उपयोग जो होता है, लाभ जो हमें वो दीर्घ अवधि तक मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लिए खाद ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू उर्वरक। कार्बनिक खेती, खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशक, शाकनाशी इनका उपयोग या तो कम होता है या तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें खाद जो होते कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट यानी पुआल और पशुधन का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे कि नील हरे शैवाल का संवर्धन, जैविक उर्वरक जो है बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियां और हल्दी को ज़्यादातर जैव कीटनाशकों के रूप में जो है खाद्य संग्रहण में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, मिश्रित खेती यानी कि अंतर फसलीकरण या फिर तथा फसल चक्र, ठीक है, आवश्यक है। अंतर फसलीकरण यानी कि एक फसल के बाद दूसरा, एक फसल इस तरह से करके एकांतर पे दूसरे दूसरे पौधे लगा के, ठीक है। ये फसल तंत्र कीट पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करेंगे। सिंचाई, भारत में जो अधिकांश खेती जो वर्षा पर आधारित होती है यानी कि मानसून कब आ रहा है कब नहीं आ रहा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो होते हैं फसल लगाए जाते हैं। फसल के वृद्धि काल में वो जो होते उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए हमारी जो आधिकारिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय यहाँ पर किए जाते हैं। भारत में अनेक पानी के स्रोत हुए हैं, ठीक है, जिससे सिंचाई की जाती है। सबसे पहला है कुआं। ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो खुदे हुए और एक दूसरे नलकूप। तो खुदे हुए जो कुएं होते हैं वो भूमिगत जल स्तरों में से पानी को एकत्रित करते हैं और नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है जो कि पंप द्वारा सिंचाई की जाती है। नहरें, ये सिंचाई का बहुत ही बड़ा विस्तृत है व्यापक तंत्र है क्योंकि जलाशयों और नदियों से उसमें पानी आता है और नहर से जो होता है इसमें शाखाएं निकाली जाती हैं और अलग अलग जगह पर सिंचाई की जाती है। एक है नदी जल उठाव प्रणाली, इसमें क्या किया जाता है कि जलाशयों से सीधे वहाँ पर पंप लगाकर पानी खेतों में पहुँचाया जाता है। उसके बाद है तालाब, ये छोटे जलाशय और जो छोटे यहाँ पर क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं, ठीक है। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियाँ जैसे कि वर्षा के पानी का संग्रहण, जल विभाजन का उचित प्रबंधन, ये सारी चीज़ें की जाती है और छोटे बांध बनाना जिससे कि भूमि का जल स्तर बढ़ सके और हमें जो होता है कि मृदा अपरदन भी कम हो, पानी को बहने से भी रोक दे और हमारा जल का संरक्षण भी हो जाए। नेक्स्ट है फसल पैटर्न, ठीक है। फसल पैटर्न में क्या किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिश्रित फसल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक साथ दो से अधिक फसल को लगाना, जैसे गेहूँ चना या फिर गेहूँ सरसों या फिर मूँगफली सूर्यमुखी, ठीक है। तो इनसे हानि होने की संभावना कम होती है। अंतरा फसलीकरण में क्या किया जाता है कि दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक पैटर्न में बनाया जाता है, उगाया जाता है, ठीक है। इसमें एक प्रकार की फसल को एक पंक्ति में और उसके एकांतर में दूसरी पंक्ति में दूसरे फसल को लगाया जाता है, जैसे सोयाबीन हो गया और मक्का हो गया, बाजरा हो गया या फिर लोबिया हो गया। इस तरह से जो है इनका एकांतर करके फसल लगाए जाते हैं। इसमें जो फसल का चुनाव किया जाता है ऐसे फसल होने चाहिए जो कि उनको पोषक तत्वों की अधिक से अधिक जो है मात्रा को यूज़ कर सकें और उनको उर्वरक यानी कि और पीड़कनाशी जो उनको है उन पे उनको कम उनका यूज़ हो, यानी कि उनको पीड़कनाशी कम देने की आवश्यकता हो, ठीक है। इस तरह से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे अंतरफसलीकरण दिखाया गया है, ठीक है। तो किसी खेत में क्रम और पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाने को फसल चक्र कहते हैं, ठीक है। तो एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए या नमी और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है, ठीक है। इस तरह से फसल के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है फसल सुरक्षा प्रबंधन, ठीक है। तो अब जब खेतों में सबसे पहले फसल जो होती है उसमें खरपतवार, कीट पीड़क रोग से प्रभावित होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि इनको नियंत्रित करने के लिए पीड़कनाशी का यूज़ करते हैं। खरपतवार में जैसे होता है जेंथियम, पार्थेनियम, साइरेनस, रोटेंडस, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये फसल उत्पादकता को कम कर देती हैं। ये खरपतवार जो होते हैं पोषक तत्व को ले लेंगे, फसल की वृद्धि कम हो जाएगी और पौधे जो होंगे पौधों में छेद कर देना, ठीक है, ये सारे काम इनका कर देते हैं। यानी कि इनमें जो कीट लगते हैं वो जड़ तने पत्तियों को काट देंगे, ठीक है, उनके जो कोशिकीय रस को चूस लेते हैं उनमें छिद्र कर देना, इससे फसल खराब हो जाते हैं।
पौधों में जो रोग होता है बैक्टीरिया कवक वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है, ये मिट्टी पानी और हवा में उपस्थित होते हैं। इनके नियंत्रण की बहुत सारी विधियाँ हैं जैसे पीड़कनाशी, शाकनाशी, कीटकनाशी इनका यूज़ करना, लेकिन इनके छिड़काव से बहुत सारे जो है हानिकारक उनका प्रभाव भी होता है क्योंकि ये विषैले होते हैं और पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं। तो यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार को भी हटाया जाता है कि समय समय पर फसल लगाना और उचित क्यारियाँ तैयार करके खरपतवार का चक्रण कर देना, यानी कि उनमें से खरपतवार को निकाल देना, जिससे कि पीड़क नाशियों का कम यूज़ किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अनाज का भंडारण। अनाज का भंडारण जो होता है, क्योंकि कृषि उत्पाद तो हो गया तो, लेकिन भंडारण में बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कीट कवक ये लग जाए, कभी कभी तो अजैविक यानी कि नमी और ताप के कारण भी ख़राब हो जाते हैं, इनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, वजन कम हो जाते हैं। इसलिए उनके भंडारण के पहले उनको सूर्य में की रोशनी दिखाना यानी सुखा कर, उसके बाद उसको छाया में रखकर उसमें धूमक दिखा कर, जैसे कि फ्यूमिगेशन, जैसे कि उसमें पीड़े जो पीड़क हैं वो यानी कीटनाशक जो हैं कीट हैं वो मर जाए, ठीक है, यानी उनका नाश हो जाए। नेक्स्ट है पशुपालन। तो पशुधन के प्रबंधन को हम पशुपालन कहते हैं। इसमें इनका कार्य है जैसे भोजन देना, प्रजनन करना, रोगों पर नियंत्रण करना। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है वैसे वैसे अंडे, दूध और मांस की खपत भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जागरूक होने की बस थोड़ी सी आवश्यकता है। इसमें सबसे पहला है पशु कृषि। पशुपालन के दो उद्देश्य होते हैं, सबसे पहले तो एक दूध देने वाले और दूसरे हैं कृषि कार्य यानी हल चलाने के लिए। भारतीय जो पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीसीज है गाय, एक वॉस इंडिकस, भैंस वॉस बुवेलिस, ये दोनों ही दुधारू पशु कहलाते हैं, ठीक है। दुग्ध उत्पादन और पशु के दुग्ध श्रवण काल पर कुछ सीमा तक ये निर्भर रहता है, ठीक है, यानी अगर दुग्ध श्रवण काल को हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक। विदेशी नस्ल है जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस का चुनाव यहाँ पे किया जाता है लंबे दुग्ध श्रवण काल के लिए, यानी कि ज़्यादा टाइम तक दूध मिले। देसी नस्ल है रेड सिंधी और साहिवाल, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण करा दिया जाए यानी हाइब्रिडेशन करा दिया जाए तो हमें जो संतति प्राप्त होगी यानी जो प्रोजनी आएगी उसमें दोनों अच्छी गुण होंगे, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होगी और लंबा दुग्ध श्रवण काल भी होगा। इस तरह से हम जो है दुग्ध उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इनका जो उत्पादन की मात्रा जो है वो मानवीय व्यवहार आधारित पर होता है, यानी कि स्वस्थ स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय और भैंस के शरीर का उचित जो है देखभाल होना चाहिए, सफाई, आवास, ये सारी चीज़ें उनमें होनी चाहिए, ठीक है। तो दूध देने वाले पशु का जो आहार होता है उसमें दो तरह चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो उनका आहार जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो और दूसरा दूध उत्पादन को बढ़ाए, जिसमें कि उनको दिया जाता है मोटा चारा जिसमें रेशे होते हैं और दूसरा सांद्र जिसमें कि रेशे कम होते हैं, यानी कि प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। इस तरह के संतुलित उत्पादन से हम दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखें, यानी कि कुछ परजीवी और अंतर्जीवी होते हैं, परजीवी जो उनके ऊपर रहते हैं और अंतर परजीवी जो कि उनके शरीर के अंदर होते हैं, जिससे कि संक्रामक रोग हो सकता है और इनको बचाने के लिए इनको टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है कुक्कुट मुर्गी पालन। अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है, ठीक है। इसमें जो कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की जो होते हैं नस्लें विकसित की जाती हैं। अंडे देने के लिए लेयर मुर्गी का पालन किया जाता है और मांस के लिए ब्रोलर को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो नई किस्में बनाने के लिए देसी जैसे एसिल और विदेशी जैसे लेगहॉर्न नस्लों का संग्रहण किया जाता है। एसिल देसी है और विदेशी लेगहॉर्न। इससे क्या होगा कि चूजों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ेगी। छोटे कद के ब्रोलर जो होंगे माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु उनका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और गर्मी अनुकूलन क्षमता यानी तापमान सहने की क्षमता, देखभाल में कम खर्च और अंडे देने वाले और ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उपोत्पाद यानी एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट से प्राप्त सस्ते रेसेदार आहार का उपभोग कर सके, तो ऐसे में हम इसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अंडे और जो है ब्रोलर का उत्पादन। ब्रोलर जो है वो चूजों को अच्छी वृद्धि दर और अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार इनमें मिलते हैं हमें, ठीक है। तो इनकी गुणवत्ता भी बनाए रखनी ज़रूरी होती है इनकी उत्पादकता को। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणाली का होना आवश्यक है, ठीक है।
इनका पोषण, पर्यावरण, इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कुक्कुट आहार में हमें विटामिन ए और विटामिन के सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी और पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई तरह के रोग भी हो सकते हैं। इससे सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान देना होता है। रोगाणुनाशक का छिड़काव करना, इनको टीका लगवाना और इनका जो है रोगों को फैलने से बचाना, इनमें इनका उन्नत उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट है मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन। हमारे भोजन में जो है मछली प्रोटीन का एक समृद्ध जो है स्रोत होता है। इसमें होती हैं कुछ पंखयुक्त मछलियाँ, कुछ होती कवचीय मछलियाँ जैसे प्रॉन, मोलस्क। ठीक है, मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ हैं। सबसे पहला तो प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, और दूसरा है मछली पालन। ठीक है, तो मछलियाँ जो होती जल स्रोत यानी समुद्री जल और ताज़ा जल जो होता है उसमें पाई जाती हैं। तो जो ताज़े जल यानी अलवणीय जल नदियों तालाबों में होगा, इसमें मछली पकड़ना और मछली संवर्धन समुद्र और ताजे जल के पारिस्थितिकी तंत्रों में किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला है समुद्री मत्स्यकी। भारत का समुद्री जो मछली संसाधन क्षेत्र है वो करीब 7500 किलोमीटर समुद्री तट है। ठीक है, समुद्री मछलियों में मेन होती है पॉम्फ्रेट, मैकल, टूना, सार्डाइन, बॉम्बे डॉक। ठीक है, ये सब जो है अलग तरह के जालों से जो है पकड़ी जाती हैं। ठीक है, और वहीं पर कुछ समुद्री मछलियाँ जो होती हैं समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है, जैसे कि मुलेट, भेटकी, पॉलिस्पॉट। ठीक है, कवची मछलियाँ जैसे झींगा यानी प्रॉन, मसल और ऑयस्टर, ये समुद्री एक एवं साथ ही समुद्री खरपतवार। ऑयस्टर से मोतियाँ प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, भविष्य में समुद्री मछलियों का जो भंडार होगा कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा यानी कि मैरीकल्चर के द्वारा कर सकते हैं। समुद्र को मराइन कहते हैं तो इसलिए इसके नाम से मैरीकल्चर पड़ा है। अगला देखते हैं अंतर्स्थली मत्स्यकी, जो ताजे जल में रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है खारे जल के संसाधन जहाँ समुद्री जल और ताजा जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि उसको एश्यूरी कहा जाता है, और लैगून भी बहुत ज़्यादा मत्स्य भंडारण के जो है स्थल है। ठीक है, मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। ठीक है, ऐसे तंत्र में जहाँ पे एक ही तालाब में 5 या 6 मछलियों की स्पीसीज का प्रयोग किया जा सकता है, और वहाँ पे ऐसी मछलियों का चुनाव होता है जिसके कि आहार में प्रतिस्पर्धा ना हो यानी आपस में लड़ाई ना करें खाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो तालाब है उसके प्रत्येक भाग से आहार को लेती हैं। रोहू मछली जो होती है, ठीक है, रोहू मछली तालाब के जो होते हैं मध्य भाग से अपना भोजन लेती है। कटला जो होती है मछली के सतह से लेती है, और वहीं पे मृगल और कॉमन कार्प जो होती है तली से भोजन लेती हैं। ठीक है, तो ये सभी मछलियाँ अपने अलग अलग लेयर से भोजन ले रही हैं, तो इसलिए इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है, इसके लिए तो ये ठीक है। बट इनमें क्या होता है कि इनका जो प्रजनन है वो सबका अलग अलग होता है, केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं इनमें से बहुत सारी मछलियाँ। तो यदि इनका मत्स्य डिम्ब यानी कि मत्स्य जो अंडे होते हैं अगर देसी नस्ल से लिए जाएं तो अन्य स्पीसीज़ के जो अंडे के साथ ही मिल सकते हैं। ठीक है, अब मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले अंडों का उपलब्ध न होना ही सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या है, और इसके लिए आगे के कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो मधुमक्खी जो होती है यहाँ से हमें शहद मिलता है। ठीक है, जो कि हर जगह हमें यूज़ में आता है, और ये कृषि उद्योग, इसको एक उद्यम कृषि उद्योग बनाया गया है, क्योंकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश जो होता है बहुत कम लगता है और इसमें धनार्जन के साधन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनसे शहद मिलता है, इनके छत्ते से मोम मिल जाता है। ठीक है, तो व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी एपिस सेरेना इंडिका जो कि सामान्य भारतीय मक्खी है, एपिस डॉर्सेटा एक सैल मक्खी है, एपिस फ्लोरिन एक लिटिल मक्खी है, और वहीं पर इटली मक्खी एपिस मेलिफेरा का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हमें जो है शहद की उत्पादकता को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इटली मक्खी जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मधु यानी कि जो शहद होती है वो एकत्र करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। वे डंक भी कम मारती हैं और उनमें जो होते हैं प्रजनन की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इटली मक्खी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। शहद की कीमत और गुणवत्ता मधुमक्खियों के चारागाह यानी कि मधु एकत्र करने के उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है, यानी जितने ज़्यादा फूलों में मकरंद पराग यानी नेक्टर होगा उतनी ज़्यादा जो होगा हमें शहद प्राप्त होगा। तो अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
फसल के लिए अनेक पोषक आवश्यक हैं, ठीक है, और हवा से कार्बन ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन और मिट्टी से शेष पोषक तत्व मिलते हैं। इन पोषकों की मात्रा अधिक चाहिए तो उन्हें वृहत और कम चाहिए तो सूक्ष्म। फसल के लिए पोषकों के मुख्य स्रोत खाद और उर्वरक हैं। कार्बनिक कृषि प्रणालियों में उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और फसल तंत्र में सिर्फ कार्बनिक खादों का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। एक विशेष फॉर्म में फसल उत्पादन और पशुपालन आदि में बढ़ावा देने वाली खेती को हम मिश्रित खेती तंत्र कहते हैं। मिश्रित फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं, ठीक है। दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को हम अंतरफसलीकरण कहते हैं। एक ही खेत में अलग अलग फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाएं तो उसे हम फसल चक्र कहते हैं। उच्च उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता, जैविक व अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधता, अल्प परिपक्वन काल यानी कम समय में, बदली परिस्थितियों के लिए अनुकूल तथा ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण के लिए नस्ल सुधार आवश्यक है। ये पूरे पॉइंट्स में हमने पूरा जितना उत्पादकता पढ़ी थी वो हो गया। फार्म पशुओं के लिए उचित देखभाल और प्रबंधन के लिए आवास, आहार, जनन इनकी आवश्यकता होती है, जिसे हम पशुपालन कहते हैं। कुक्कुट पालन में घरेलू मुर्गियों की संख्या बढ़ाने के लिए करते हैं। कुक्कुट पालन के अंतर्गत अंडा और जो होता है मांस के लिए उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इनकी उत्पादन जो है इनकी उन्नत नस्लों के आधार पर होता है, ठीक है, जो कि भारत और विदेशी नस्लों का संकरण कराए करते हैं। समुद्र अंतर्स्थलीय स्रोतों से मछलियाँ हम प्राप्त कर सकते हैं। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए उनका संवर्धन जो है समुद्र और अंतर्स्थलीय पास की प्रणालियों में हम कर सकते हैं, इसको हमने मैरीकल्चर कहा। समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए प्रतिध्वनि गंभीरता मापी और उपग्रह द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमने वहाँ पे मिस किया कि प्रतिध्वनि गंभीरता मापी और उपग्रह द्वारा, ठीक है, यानी जैसे सैटेलाइट के द्वारा भी पता कर सकते हैं कहाँ पे कितनी मछलियाँ हैं, कैसी हैं, ठीक है। मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र प्राय मत्स्य पालन के लिए आते हैं और मधुमक्खी पालन मधु और मोम के लिए किए जाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।